सर, बिजनेस कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 6 कब डालोगे? डाला ही नहीं है। अरे सर, बस इंटर इंटर पे ध्यान दे रहे हो, थोड़ा हमें भी तो ध्यान दे दो फाइनल वालों पे। सर ये गलत बात है सर, लेक्चर नंबर 6 आपने डाला ही नहीं है। ये दिस इज नॉट फेयर सर, ये बहुत गलत किया आपने। मतलब 5 लेक्चर देके छोड़ दिया सर, ऐसा थोड़ी होता है सर। सर प्लीज लेक्चर नंबर 6 डाल दो सर। सर कब आएगा लेक्चर नंबर 6? सर बस एग्जाम में सर 30 दिन बचे हैं सर। सर 40 दिन बचे हैं सर, 2 दिन बचे हैं सर। सर प्लीज लेक्चर डाल दो सर। सर लेक्चर नंबर 6 डाल दो सर। सर डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो। भाई साहब, सबसे पहले क्षमा मांगना चाहता हूं, सॉरी कहना चाहता हूं कि मैं लेक्चर नंबर 6 मैंने अभी तक नहीं डाला, अपलोड नहीं किया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कौन सा लेक्चर नंबर 6 भाई? मैं बता देना चाहता हूं, सीए फाइनल का बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन का लास्ट मंथ में मैंने कुछ रिवीजन लेक्चर्स लिए थे, वो भी इंग्लिश में। प्राइमरी पर्पस तो ये था कि मैं साउथ के स्टूडेंट्स को ये लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। बाद में आई थॉट कि ठीक है, नॉर्थ वालों ने और बाकी लोगों ने क्या बिगाड़ा है, तो आई थॉट कि मैं उसको पब्लिक कर देता हूं। पहले सच्ची बताऊं, कसम से बोल रहा हूं, पब्लिक करने का कोई इंटेंशन नहीं था। आई थॉट कि ठीक है यार, पब्लिक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबको बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, सभी बच्चों ने अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया और धन्यवाद। और इतना अप्रिशिएट किया कि मतलब बहुत सारे बच्चों के तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, एंड थैंक गॉड शायद अभी तक तो कोई बुरा कमेंट आया नहीं है। हाँ, पर जो सबसे ज्यादा कमेंट आए वो ये आए कि सर लेक्चर नंबर 6 क्यों नहीं अपलोड किया। हुआ ये कि मैंने लाइव लेक्चर लेने का सोचा था। अब हुआ ये कि स्टार्टिंग के 5 लेक्चर्स मैंने लाइव लिए, 6th लेक्चर में किसी कारण से लाइव नहीं ले पाया, और लाइव नहीं ले पाया तो मैं वो फिर बाद में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। रिकॉर्ड नहीं कर पाया वो लास्ट लेक्चर था 6th नंबर, और अभी तक मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूं। अब इस बीच में मुझे बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आए, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे। अच्छा भी लगा कि यार बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं, और ये माइंड में था कि लेक्चर नंबर 6 रिकॉर्ड करना है, पर बहुत सारे कमिटमेंट्स की वजह से टाइम नहीं मिला तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सच्ची बताऊं अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, बट लेक्चर नंबर 6 जरूर आएगा। छोटी सी एक नाराजगी है। कौन सी नाराजगी? एक दो बच्चों ने थोड़ा सा गुस्सा दिलाया, बस छोटी सी उन बच्चों से नाराजगी नहीं, पता नहीं क्या, मतलब कुछ बच्चों ने इसको ऐसा ले लिया कि शायद मैं रिस्पॉन्सिबल हूं लेक्चर नंबर 6 डालने के लिए। जबकि मैंने तो ये सोचा था कि यार मैं तो फ्री में दे रहा हूं, यूट्यूब पे डाल रहा हूं, जितना करूं उतना मेरी मर्जी, क्या दिक्कत है। कुछ लोगों ने, कुछ बहुत ही कुछ लोगों ने इसको बिल्कुल दिल पे ले लिया और इतना गुस्सा हो गए कि फ्रस्ट्रेट से हो गए, और वो थोड़ा सा अजीब तरीके से बात करने लगे मुझसे। सीरियसली बता रहा हूं, मतलब इस चीज का बुरा लगा कि जिस फैकल्टी से पढ़ रहे हो उसी फैकल्टी से आप रिस्पेक्टफुली बात नहीं कर रहे हो क्योंकि लेक्चर नंबर 6 नहीं डाला। मतलब तुम्हें पढ़ाई से मतलब है, कौन पढ़ा रहा है उस वो जाए भाड़ में। तो ठीक है, छोटे हैं मुझसे, छोटे भाई बहन है। आई थॉट कि ठीक है कोई बात नहीं, कुछ बच्चों को इग्नोर किया, कुछ को समझाया, वो समझ गए, आई थॉट ठीक है। बट ओवरऑल देखा जाए तो गाइस रियली, मतलब जितना एप्रिसिएशन मुझे आप लोगों ने दिया इन बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन के लेक्चर्स में, इंग्लिश वर्जन में और इंड एस 116 में और इंड एस 115 में, आई मस्ट से मतलब मुझे बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिला। लेक्चर नंबर 6 कब आएगा सर? बच्चों लेक्चर नंबर 6 जरूर आएगा, एग्जाम से पहले आएगा, अगर एग्जाम जुलाई में होंगे तो उससे पहले जरूर आएगा, और उसकी तैयारी मैंने कर ली है। कुछ दिनों में मैं रिकॉर्ड करूंगा और मैं उसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो उसका बिल्कुल आप क्वेश्चन ना पूछें, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ना लिखें, ज्यादा अच्छा है आपके लिए, बेवजह आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है सर, ये वाली बात हो गई। तो सर ये वीडियो बना क्यों रहे हो? क्या ये लेक्चर नंबर 6 की अनाउंसमेंट करने के लिए बना रहे हो? ना ही रे, अनाउंसमेंट कुछ और है। पहले एक और बात सुन लो, ये बात हो गई बिजनेस कॉम्बिनेशन के इंग्लिश लेक्चर की, लेक्चर नंबर 6 की। एक और बात सुन लो, फिर आपके काम की बात आएगी। एक गुड न्यूज है, ठीक है, कुछ लोगों ने तो गुड न्यूज देख भी ली है मेरे व्हाट्सएप स्टेटस से। मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में मैंने स्टेटस डाल दिया उस गुड न्यूज का, बट ठीक है, अभी मैंने टेलीग्राम पे शेयर नहीं किया। उस गुड न्यूज को बताने से पहले एक और चीज बता रहा हूं,
यस, जिसके लिए मैं लायबल था, मैं लायबल हूं और मैं लायबल रहूंगा अगर वो मैंने वीडियोस प्रोवाइड नहीं किए तो। क्वेश्चन बैंक के वीडियोस, यस क्वेश्चन बैंक एफआर रेगुलर के स्टूडेंट्स के साथ मैंने कमिटमेंट किया था कि आप जो मेरा क्वेश्चन बैंक परचेज कर रहे हो उसके मैं वीडियोस जरूर बनाऊंगा और मैं यूट्यूब पे डालूंगा, सबके लिए डालूंगा। यस, मैंने वो क्वेश्चन बैंक के वीडियोस नहीं डाले हैं, उसका कारण क्या है? गाइस रियली सॉरी फॉर दैट, मैंने उसके वीडियोस नहीं डाले हैं। उसका कारण सिंपल सा ये है कि मैंने क्वेश्चन बैंक के वीडियोस रिकॉर्ड किए थे, लगभग लगभग 5 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे। अब रिकॉर्डिंग में क्या होता है, जब हम लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं तो वो डायरेक्ट अपन अपलोड नहीं कर सकते, उसकी पहले एडिटिंग होती है, क्योंकि छोटे 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 पैचेस में रिकॉर्ड होता है। जब मैं क्वेश्चन बैंक के वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं तो मेरे सामने कोई बच्चा तो है बैठा नहीं है, तो मैं छोटे छोटे पैचेस में रिकॉर्ड करता हूं। जैसे मान लीजिए 15-20 मिनट का रिकॉर्ड किया, फिर थोड़ी देर बाद फिर से रिकॉर्ड किया, फिर थोड़ी देर बाद फिर से रिकॉर्ड किया। अब उन सारे लेक्चर्स को एडिट करके एक लेक्चर बनाना पड़ता है। तो ऐसे मैंने 5 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए, पर एडिटिंग एक भी लेक्चर की नहीं हो पाई थी, क्योंकि हमारी एडिटिंग टीम थोड़ी सी बिजी थी। आई थॉट कि एडिटिंग कर लेंगे, और वो पांचों के पांचों लेक्चर्स रिकॉर्ड करके मैंने अपनी हार्ड डिस्क में सेव कर लिए। गलती ये हो गई कि मेरी हार्ड डिस्क को मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं और वो मेरी हार्ड डिस्क गुम हो गई। अब गुम हो गई तो ऐसा भी लफड़ा नहीं है कि गुम हो गई तो चोरी हो गई तो पता नहीं कहां लेक्चर चले जाएंगे। गुम हुई है, कहीं ऐसा कुछ हुआ है कि वो बच्चों के हाथ नहीं लगेगी, ये इतना मुझे श्योर है, क्योंकि मेरे ट्रेवलिंग के दौरान ये मेरे से हार्ड डिस्क गुम हुई है। अब हुआ क्या कि उस हार्ड डिस्क में वो क्वेश्चन बैंक के वीडियोस थे अनएडिटेड। अब जब वो गुम हुई तो मेरा दिमाग खराब हुआ, और ऊपर से मतलब 5 लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद ऐसा कुछ हो जाए, आप इतनी मेहनत करते हो उसके बाद कुछ हो जाए तो आपको बहुत धक्का लगता है। तो उसके बाद जो मूड खराब हुआ, तो उसके बाद मैंने वो लेक्चर रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया आगे के, लगा कि अब तो ये फिर से मुझे रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, क्योंकि पूरा एक रिदम चाहिए रहता है आपको, पूरा सीक्वेंस चाहिए रहता है, कि ऐसा नहीं कि चलो ठीक है 5 बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे, 6ठा रिकॉर्ड कर लेते हैं, ऐसे नहीं होता। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ठीक है यार, आपने जो एक एक ऑब्जेक्टिव रखा था उस ऑब्जेक्टिव से आप बच्चों को आगे बढ़ा रहे हो। उसके बाद आई थॉट कि मैं नए सिरे से फिर से रिकॉर्ड करूंगा, पर बीच में अब कमिटमेंट्स दूसरे सारे आ गए तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो मैं वो भी आपको मैसेज देना चाहता हूँ बच्चों, कि क्वेश्चन बैंक के लिए मैं एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हूं और मैं रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करूंगा। आई होप कि वो मैं जल्दी रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करूं, बट मैं उसके लिए कुछ कमिट नहीं कर सकता कि मैं कितना जल्दी प्रोवाइड करूंगा। बट यस, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि मैं कोशिश करके जल्दी रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करूं, ताकि एटलीस्ट नवंबर 20 के बच्चों को तो इसका बेनिफिट जरूर मिले। जुलाई 20 के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, ये रियली रियली सॉरी फॉर दैट। तो ये दो बातें आपको मैंने क्लरिफाई कर दी अपनी तरफ से, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। गुड न्यूज क्या है? तो गुड न्यूज है साहब ये वाली, समझ गए गुड न्यूज? यस, फर्स्ट टाइम मैं आप सबके लिए इंड एएस का चार्ट रिवीजन ला रहा हूं, वो भी यूट्यूब पर लाइव। यस, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी इंड एएस के चार्ट रिवीजन की, स्पेशली जुलाई और नवंबर 20 अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए। यस, और ये कब से होने वाला है? ये होने वाला है 2nd of July से। गाइस आप सही सुन रहे हो, ये होने वाला है 2nd of July। सी एट दिस मोमेंट, जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आई रियली डोंट नो कि जुलाई के एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे, और मुझसे पूछना भी मत, क्योंकि किसी को नहीं पता। ठीक है ना, हम अंतर्यामी नहीं है, हम अपना अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा मेरा तो पर्सनली ये कहता है कि एग्जाम शायद नहीं होंगे, बट मैं आपको ऐसा क्यों बोलूं? फिर भी मैंने 2nd जुलाई से प्लान किया है कि डेली बेसिस पर, आई रिपीट, डेली बेसिस पर मैं इंड एएस का चार्ट रिवीजन करवाऊंगा। सर ये चार्ट रिवीजन क्या होता है? चार्ट रिवीजन का मतलब होता है मेरी एक चार्ट बुक है इंड एएस की। आई होप आप सभी बच्चों को पता हो, नहीं पता कोई बात नहीं, दिस इज द चार्ट बुक, इंड एएस का चार्ट बुक। आपको ये दिख रहा है किस साइज का है? यस, ये इंड एएस का चार्ट बुक है, ज्यादा बड़े ज्यादा पेजेस का नहीं है। 30 पेजेस में मैंने इसमें इंड एएस के मैक्सिमम चार्ट्स कवर किए हैं। अगर आप बोलो कि इसमें सारे चार्ट्स कवर है क्या? नहीं,
इसमें जो मेजर टॉपिक्स होते हैं, मेजर टॉपिक्स, कोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिससे तकरीबन तकरीबन 75% सिलेबस बनता है एफआर का, वो टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं। ठीक है, तो मैं इस बुक से ये आप दिख रहा होगा, आपको सामने दिख रहा होगा, ठीक है ना, दिख रहा है, ये चार्ट रिवीजन बुक है। तो इस बुक से मैं इंड एएस का रिवीजन लेने वाला हूं, वो भी आप सबके साथ लाइव ऑन यूट्यूब। सर कब से लेने वाले हो? फ्रॉम 2nd of July। यस, अब इसकी डिटेल सुन लीजिए कि ये लाइव होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, क्यों होगा, काय को होगा। सबसे पहले टाइमिंग, सर कितने बजे होगा? प्रोबेबली मैं ये लेक्चर इवनिंग के टाइम पे रखूंगा। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता हूं, हो सकता है कभी मैं शाम को 6 बजे रखूं लेक्चर, हो सकता है मैं कभी ये लेक्चर शाम को 10 8 बजे रखूं, कभी 7 बजे रखूं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं टाइम हमेशा एक ही रखूं, ताकि आप अपना शेड्यूल बिगाड़ो ना। बट कभी कभार मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है शायद मेरे यहाँ पर नेटवर्क इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, जो कि इन दिनों बहुत ज्यादा हुआ है पुणे में, तो हो सकता है कभी मुझे लेक्चर को पोस्टपोन करना पड़े, प्रीपोन करना पड़े, डिपेंड करता है। बट मेरी कोशिश होगी कि मैं लेक्चर का टाइमिंग जनरली इवनिंग में रखूं। फिर भी मैं रिव्यूज लूंगा बच्चों के आगे चल के, अगर मुझे लगा तो मैं फिर मॉर्निंग में शिफ्ट करूंगा। ठीक है, ये लेक्चर्स डेली बेसिस पर होंगे? हाँ जी बिल्कुल डेली बेसिस पर होंगे। लेक्चर का ड्यूरेशन क्या होगा? पर लेक्चर का ड्यूरेशन क्या होगा? ड्यूरेशन में कुछ बता नहीं सकता, वो डिपेंड करता है। ड्यूरेशन ये मान लीजिए मिनिमम 1 घंटा तो होगा ही होगा, 1 घंटे से 2 घंटे तक का ड्यूरेशन हो सकता है, 2 घंटे से ऊपर का लेक्चर नहीं होगा। राइट, अच्छा सर ये लाइव लेक्चर लेने का रीजन क्या? सबसे इंपॉर्टेंट, ताकि आप साथ मेरे कनेक्ट हो सके। बच्चा जितना फैकल्टी के साथ कनेक्ट होता है, उतना फैकल्टी को पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है, ज्यादा मैं और अपनी ताकत लगा के पढ़ाऊंगा। राइट, लाइव नहीं होगी अगर लेक्चर्स, तो शायद मैं अपने आप को कमिट नहीं कर पाऊं लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने में, तो हो सकता है कभी रिकॉर्ड करूं, हो सकता है कभी रिकॉर्ड ना करूं। तो लाइव लेने का सबसे बड़ा रीजन, मैं आपको सच्ची बताऊं, अपने आप को कमिटमेंट देना का है। मतलब मैं आपके लिए लाइव नहीं आ रहा हूं, एक्चुअली मैं अपने आपके लिए लाइव आ रहा हूं, कि मैं एटलीस्ट खुद अच्छे से लाइव आके, डेली कमिटमेंट होगा तो मैं लाइव आऊंगा और मैं लेक्चर्स लूंगा। आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप अगर लाइव मेरे साथ इस लेक्चर को रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। मैं ये नहीं बोल सकता कि लेक्चर लाइव होने के बाद मैं इसको पब्लिक करूंगा कि नहीं करूंगा, और मैं एक भी व्यक्ति की रिक्वेस्ट नहीं मानूंगा कि मुझे इसको पब्लिक रखना है कि नहीं। वो मेरे डिस्क्रिशन पर होगा कि मैं वो लेक्चर्स को पब्लिक पब्लिक करता हूं कि नहीं करता हूं। मैं किसी बच्चे की रिक्वेस्ट नहीं मानूंगा। ठीक है, अच्छा तो ये मेरे लेक्चर्स होंगे लाइव बेसिस पर, इसका टाइम जनरली इवनिंग में रहेगा। ठीक है सर, सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि जो आप लेक्चर लेने वाले हो वो कब लेने वाले हो, कितने बजे लेने वाले हो, क्या लेने वाले हो? उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम का एक ग्रुप है और एक चैनल है, दोनों सीए फाइनल के लिए है। मतलब एक चैनल तो है वो तो कॉमन है, और ग्रुप जो है वो स्पेसिफिकली सीए फाइनल के लिए है। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं सब्सक्राइब किया कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ सब्सक्राइब कर लो। हर दिन जब जब लेक्चर होगा उसकी लिंक मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालूंगा, और कहीं शेयर नहीं करूंगा, ना मैं अपने व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा, कहीं शेयर नहीं करूंगा, टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। तो मेरा टेलीग्राम पे इसकी लिंक शेयर कर दी जाएगी, ये बात क्लियर? ठीक है सर। सर आप कितना सिलेबस करवाओगे? मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस लगभग लगभग 75% सिलेबस अपन कवर करेंगे इस चार्ट रिवीजन से। कितना परसेंट सिलेबस? 75% सिलेबस अपन कवर करेंगे इस चार्ट रिवीजन से। 75% सिलेबस भी अच्छा खासा कंटेंट होता है, जिसमें मैक्सिमम जो बड़े बड़े इंडेक्स होते हैं, लाइक कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट, 115, 116, राइट, असेट बेस्ड इंडेक्स लाइक इंपेयरमेंट, पीपीई, इंटेंजिबल, इन्वेंट्री, ठीक है ना, डेफर्ड टैक्सेस वाला, तो मेजरली बड़े बड़े इंडेक्स में कवर करूंगा। इंप्लॉय बेनिफिट्स, ईपीएस कवर करूंगा, ठीक है ना। तो 75% सिलेबस लगभग लगभग कवर करूंगा। सर आप ये सिर्फ और सिर्फ चार्ट बुक से रिवीजन करवाओगे? यस। तो सर क्या उसके लिए हमारे पास चार्ट, आपका जो चार्ट बुक है वो होना चाहिए?
अगर होगा तो सबसे अच्छी चीज है। बिना चार्ट बुक के अगर आप देख के बैठोगे तो शायद आप कोरिलेट ना कर पाओ, लिंकिंग ना कर पाओ। हो सकता है आपको कुछ लिखने की जरूरत पड़े तो आप उसको टिक ना कर पाओ, अंडरलाइन ना कर पाओ। इसके लिए सर आप क्या रिकमेंड करोगे? मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि जो ये चार्ट बुक है सिर्फ 400 रुपए की चार्ट बुक है, ओनली एंड ओनली ये चार्ट बुक 400 रुपए की है। तो 400 रुपीज की ये चार्ट बुक है, 400 रुपए में आपको कलर्ड बुक मिल रहा है। इससे बेहतर, इससे सस्ता कुछ नहीं मिल सकता। आपको ये खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से। सर अगर हम खरीदते हैं तो क्या डिलीवरी हो जाएगा? यस, हमने डिस्पैचिंग शुरू कर लिया है, प्रोबेबली आपको डिलीवरी हो जाएगा। सर वो ना आपके ना टेलीग्राम ग्रुप पे ना वो पीडीएफ में भी घूम रहे हैं चार्ट्स और आपकी बुक्स वगैरह। सर हम वो रेफर कर लेते हो, तुम्हारी मर्जी। अगर वो चार्ट वहां से डाउनलोड कर लोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर डाउनलोड करके तुम टिक तो लगा नहीं पाओगे। अल्टीमेटली उसका भी प्रिंट निकालना पड़ेगा, प्रिंट निकलवाओगे तो ब्लैक एंड व्हाइट निकलेंगे और हो सकता है छोटा बड़ा, हो सकता है अच्छे से फॉन्ट साइज सही नहीं आया, ब्लर आ गया। उसमें भी अगर जब प्रिंट निकलवाओगे तो कम से कम 200-250 रुपए तो खर्च होगा ही होगा। जब तुम 250 रुपए खर्च कर रहे हो तो बेहतर है कि 400 रुपए में प्रॉपर कलर्ड बुक क्यों नहीं ले लेते। अब तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारी मेच्योरिटी लेवल कितनी है वो तुम जानो, तो तुम देख लेना कि कहां से होगा। तो चार्ट बुक तुम परचेज कर सकते हो, चार्ट बुक जो है वो 399 में आपको मिल जाएगा, वी स्मार्ट अकेडमी वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप खरीदना चाहते हो तो अभी से खरीद लो, अभी भी टाइम है। 2 जुलाई में, 2 जुलाई से प्रोबेबली मैं लेक्चर शुरू करूंगा तो आपको चार्ट बुक कुछ टाइम में मिल जाएगा। अभी कोरोना के चक्कर में थोड़ा सा डिलीवरी टाइम बढ़ गया है, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि लगभग लगभग 10 दिन में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में चार्ट बुक परचेज करने का लिंक भी आपको डाल देता हूं। चलिए सर, ठीक है सर, और बताइए सर और क्या होगा? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये क्विक रिवीजन होगा चार्ट बुक से। प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि जय सर इसमें क्वेश्चंस करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट बुक से इंडेक्स का रिवीजन करवाऊंगा, जिसको आप यूं कह सकते हो कि एग्जाम डे रिवीजन, एग्जाम टाइम का रिवीजन जो होगा। मैं इसमें आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा। अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरा बूस्टर रिवीजन बैच परचेज कर सकते हो, जिसमें सिर्फ 20 क्लासेस हैं और 20 क्लासेस में आपका लगभग 80% सिलेबस कवर हो जाएगा, जिसमें मैंने प्रैक्टिस भी करवाई है। तो मैं चार्ट रिवीजन में क्वेश्चंस और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ चार्ट का रिवीजन करवाऊंगा और उससे रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स अगर होंगे तो वो मैं साथ साथ आपके इंटरटेन करूंगा। लाइव लेने का कारण ये है कि आप मेरे साथ बने रहें, आपके भी डाउट्स मैं साथ साथ लेता जाऊं, तो इंटरेक्टिव होता जाएगा सेशन, तो और ज्यादा मजा आएगा। वन वे कम्युनिकेशन होगा तो ज्यादा मजा नहीं आएगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज सेशन को लाइव ही ज्वाइन करें। अगर आप इस सेंस में रहोगे कि सर ये बाद में लेक्चर पब्लिक होगा कि नहीं होगा, आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं ये लेक्चर लाइव बाद में पब्लिक नहीं होगा, ठीक है ना? अच्छा, ये वाली बात हो गई क्लियर। एक लास्ट छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगेन बोलना चाहूंगा, जो ये मैंने चार्ट रिवीजन का अनाउंसमेंट किया है, दिस इज जस्ट अ गुड कॉज फॉर अ गुड रीजन, ताकि बच्चों का भला हो। कुछ बच्चों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे बिजनेस कॉम्बिनेशन के जब मैंने लेक्चर्स डाले, एंड आई मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के। और एक बच्चे एक एक ने नहीं मतलब बल्कि 2-3 बच्चों ने मुझे लिखा कि सर सर मतलब लिटरली आपने जो जितनी डेयरिंग की है, जिस डेयरिंग से आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन के लेक्चर्स डाल दिए, 115 के सारे लेक्चर्स डाल दिए, 116 के सारे लेक्चर्स डाल दिए, सर इतनी डेयरिंग किसी टीचर में नहीं है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि इतनी डेयरिंग किसी टीचर में है कि नहीं है, मेरे में कितनी डेयरिंग है मुझे नहीं पता। आई डोंट नो यार, मतलब मैं बस जो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए करना चाहिए वो मैं करता हूं। अब तुम इसको पब्लिसिटी स्टंट बोलो या कुछ भी बोलो भाई, यस अपन को भी तो आगे चल के अपना फ्यूचर अच्छा रखना है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत अगर मैं फैन फॉलोइंग या थोड़ा बहुत अगर मैं अपना नाम करना चाहता हूं तो उसमें बुरा क्या है? तो ये चार्ट रिवीजन डालना सिर्फ मेरा एक डिसीजन है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, याद रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसको तुम उस सेंस में लेना कि जय सर जितना दे रहे हैं उतना अच्छा है। ऐसा ना हो कि यार, अरे यार चार्ट रिवीजन, अरे यार सर आपने ये क्यों नहीं दिया, अरे यार सर आपने ये क्यों नहीं डाला। हो सकता है लगातार 2 दिन तक मैं चार्ट रिवीजन, सर ऐसा थोड़ी होता, सर ये थोड़ी होता है, आपको तो डालना पड़ेगा सर। प्लीज
आपको जितना मिल रहा है उतना आपके लिए बोनस है, क्योंकि ये तो चीज मेरी कोई कोर्स तो है नहीं, आपसे मैंने कुछ फीस तो ली नहीं है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं अपने एक सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ, जो मैंने लगभग लगभग 1 साल से सोचा हुआ था कि यार मैं चार्ट रिविजन करूंगा चार्ट रिविजन करूंगा, फाइनली जाके अब मुझे टाइम लग रहा है कि मैं निकाल पा रहा हूं। तो बच्चों प्लीज इसको मेरी लाइबिलिटी मत समझिएगा, इसको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत समझिएगा, इसको मेरा एक गुड कॉज समझिएगा कि ठीक है यार एक तरीके से सीएसआर एक्टिविटी जैसर ने की, तो जितना मिलेगा उतना अच्छा है। तो मैं एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा, अगर तुम किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो ना, तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम उसको डीमोटिवेट करो। ये मैं अपने लिए बोल रहा हूं, अगर तुम मुझे मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझे डीमोटिवेट करो, राइट? मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे कभी कभार मैसेजेस आते हैं जहां पर फ्रस्ट्रेटिंग मैसेजेस होते हैं बच्चों के, तो अगर नहीं देखना है मत देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चे जो मेरे मुझे जो प्यार करते हैं, मेरे साथ वाले जो हैं, चाहे वो मेरे बच्चे मेरे से पढ़ मेरा क्लास मेरा खरीदा है चाहे नहीं खरीदा है, जो बच्चे मुझे प्यार करते हैं जो मुझे समझते हैं, वो डेफिनेटली लाइव मेरे साथ आएंगे और मेरे साथ वो रिवाइज करेंगे। बट मैं उन बच्चों को स्पेशली बोलना चाहता हूं कि अगर आपको मोटिवेट करना नहीं आता तो एटलीस्ट हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी को भी ना डीमोटिवेट मत करो। ये इतना कुछ कर रहा हूं, यू शुड बी थैंकफुल, एंड एटलीस्ट इफ यू आर नॉट थैंकफुल, एटलीस्ट इनकरेज नहीं कर सकते हो तो प्लीज नेगेटिव कमेंट्स मत करो, ठीक है? सो गाइस आई होप आप मेरे साथ 2 तारीख से डेली बेसिस पर रेगुलर बेसिस पर चार्ट रिवीजन में लाइव रहोगे, ताकि हम अच्छे से इंडेस का कुछ पोर्शन लगभग 75% पोर्शन अच्छे से कवर कर पाए। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा अगर आप चार्ट बुक परचेज कर लोगे ज्यादा अच्छा है, सिर्फ 400 का है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उसी में आपको लिंक मिल जाएगा अगले दिन जो जो लेक्चर होगा, राइट? लाइव लेक्चर करना ही है, इसके बाद लाइव के बाद वो लेक्चर पब्लिक होंगे नहीं होंगे मैं नहीं कुछ बता सकता, 99.99% चांसेस है कि लेक्चर पब्लिक नहीं होंगे, राइट? और मैं किसी का रिक्वेस्ट नहीं सुनूंगा कि सर आज मैं ना किसी वजह से नहीं आ पाया, सर मैं फंस गया, सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया, प्लीज इसको पब्लिक कर दो एक दिन के लिए, सर 4 दिन के लिए, सर 4 घंटे के लिए, सर 2 घंटे के लिए, ना हो पाएगा, बहुत सॉरी। मैंने बोला ना मैं अपने रिलायबिलिटी से नहीं कर रहा हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी इच्छा है मैं इसलिए कर रहा हूं। सो गाइस आई होप आपको मेरे ये वर्ड्स बुरे ना लगे हों और आप मुझे अप्रिशिएट करें, मैं यही कामना करता हूं भगवान से, और आप मुझे पसंद करें आप मुझे प्यार करें यही मेरी कामना है, और ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं 2 तारीख को चार्ट रिविजन के साथ, उससे पहले प्रोबेबली कोशिश करके लेक्चर नंबर 6 बिजनेस कॉम्बिनेशन का आ जाना चाहिए, नहीं तो जल्दी जल्दी आ जाएगा, टेंशन मत लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।